पिछले सत्र में जो शैक्षणिक गतिविधियाँ कराई मैं उनकी समीक्षा करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि कौन सी गतिविधियाँ ऐसी रहेंगी जो कॉलेज के स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोग न करें, तो मैं उनको ब्लॉक करना चाहूँगा और अपने साथियों से आप लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि कौन सी गतिविधियाँ कॉलेज में स्टार्ट की जाए, उन पर ज्यादा जोर दिया जाए कि कॉलेज का शिक्षा का नैतिकता का रोजगार का स्तर ऊँचा हो सके। इसके लिए दो तीन पॉइंट हमने अपने विचार में रखे हैं, उन पर डिस्कशन किया है। एक तो कॉलेज का सौंदर्यीकरण, कैंपस का सौंदर्यीकरण किया जाए। दूसरा, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, ये अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ साथ हमारे यहाँ तीन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, KU, मौलाना आज़ाद और राजस्थान टंडन। इन सभी यूनिवर्सिटी में कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में चलाए जा रहे हैं। हम अपने छात्रों को प्रेरित करते हैं कि कुछ कोर्स जो सुविधा के अनुसार हैं इसकी डेवलपमेंट का भी साथ साथ करें, जिससे उन्हें ट्रेडिशनल डिग्री के साथ साथ कुछ रोजगार पर कोर्स भी प्राप्त हो सके। 70 साल के बाद जो है आप बच्चों को सम्मानित करेंगे, छात्रों को आपका कॉलेज? हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं, इतना यूनिवर्सिटी में कोई प्लेस पाते हैं, कॉलेज में कोई प्लेस पाते हैं, कोई रैंक मिलती है उन्हें, तो उन्हें सम्मानित करें। इसी बहाने से उनके गार्जियन हमारे पास आएंगे, हम गार्जियन से हमारा इंटरेक्शन होगा, कॉलेज में उनका हम सजेशन लेंगे कुछ हम इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, एकेडमिक माहौल के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा मेन एम कॉलेज के माहौल को और एकेडमिक उच्चीकरण के लिए क्या सजेशन हो सकते हैं, अधिक से अधिक क्या हम कर सकते हैं कॉलेज के लिए, इस डायरेक्शन में हम गार्जियन को और बच्चों को दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। एक छोटा सा संदेश आपसे, वर्तमान में कॉलेज में कम 6,000 के आसपास है।